धन्यवाद और आप सबको नए साल की मुबारक 2022। आज हमारी जो आपसे मुलाकात है वो एक जम्मू कश्मीर में हमने अलग अलग जो तरीके से लोग सोच रहे थे अलग अलग खितों में अलग अलग सेक्शनों में, कोई पहाड़ी कोई डोगरा कोई कश्मीरी कोई जम्मू, हम इन सब को इकट्ठा करने का मकसद रखते हैं और उसी दिशा में हमने जम्मू कश्मीर का एक यूनाइटेड प्लेटफार्म फ्रंट बनाकर लोगों को आवाज़ दी है कि हमारे मसले जो हैं, जो रियासत में आज जो बगाड़ हो चुका है, रियासत की जो दुर्दशा हो रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीने गए हैं या हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, इन सब के लिए हमें आज ये जो दुनिया में आज इकट्ठी हो रही है, लोग ऐसे मसले बनते जा रहे हैं कि वर्ल्ड के पूरे पूरे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, कोरोना आ गया, डेंजरस बीमारी आ गई, और हम उसी का हिस्सा होते हुए जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के मुखालफ किया जा रहा है और ऐसा प्रोपेगेंडा जहरीला हो रहा है कि हम आज उसी जहरीलेपन से जम्मू और कश्मीर भी आमने सामने खड़ा है। आज हमारी सेक्रेटेट नहीं है, कोई रियासत ऐसी नहीं है दुनिया में जिसकी अपनी राजधानी नहीं होती, लेकिन जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट जो स्पेशल स्टेट हुआ करती थी वो यूटी बन गई और यूटी के दो हिस्से हो गए और आज हमारा सेक्रेटेट भी हवाई जहाज में घूमता है, चाहे कोई सेक्रेटरी या गवर्नर श्रीनगर बैठे तो उधर बैठ कर दस्तखत करें तो सिविल सेक्रेटेट श्रीनगर, अगर इधर आ जाएँ जहाज पर चढ़कर इधर आ जाएँ तो सिविल सेक्रेटेट जम्मू, अगर दिल्ली में चले जाएँ गवर्नर साहब तो वहाँ से दस्तखत करें तो वो हमारी राजधानी दिल्ली चली गई। इसलिए सबसे इससे ज़्यादा हमारी डिग्रेडेशन क्या हो सकती है, बेइज्जती क्या हो सकती है, और फिर हमें सिटीजन भी हमारी सिटीजनशिप भी चेंज की गई, कोई हमें तोड़ दिया गया, हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट था, हमारी पहचान थी, हमारी ज़मीनों के लाज भी बदले गए, हमारी जो सरकारी ज़मीनें लोगों ने 1955-57 से उखाड़ कर बनाई हुई थी, डेडवुड करने के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, और जो बोलता है को बोलने की कोशिश करता है उसे बोलने नहीं दिया जाता है, और कई नाम हमारे पड़ गए हैं और डाल दिए जा रहे हैं, किसी को अगर चाहें जे तो जूपीए लगा कर या एनआईए लगा कर या किसी ईडी का पीछे पर लगा कर भगाया जा रहा है, इसलिए जो बेतरसी जैसी हो चुकी है और एक जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि किसी के चेहरे में हंसी नहीं दिखाई देता है, कोई बच्चा स्कूल में जाने वाला तसल्ली बख्श पढ़ने का वो अपना रास्ता नहीं निकाल सकता, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ही रास्ता है आज की दुनिया में कि डेमोक्रेटिकली पीसफुली जो रास्ता, हम गन का बिल्कुल विरोध करते हैं, गन कैन नेवर कंट्रोल द ब्रेन्स, आइडियाज़ को वो कभी भी नहीं चला सकते हैं, वो चाहे किसी की भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आज डायलॉग पीसफुल रास्ते और कंसीलेशन ही एक रास्ता है, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। आज कल हमें बड़ी खुशी हुई कि सुबह सुबह एक फ़ोटो देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की और सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तान की बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल में मिठाइयाँ आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं नए साल की, अगर ये खुद एक्सचेंज करते रहें तो हमारा व्यापार भी एक्सचेंज होगा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, जम्मू का व्यापार भी बढ़ेगा, और सुचेतगढ़ पर जो एक्सचेंज शुरू हो जाए व्यापार की तो जम्मू की किस्मत बदल जाती है, सड़कें खोली दी जाए, रास्ते खोल दिए जाए और बातचीत का रास्ता निकाला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसे तभी होगा कि आने वाली जनरेशन इस बात को समझे कि हमारा जीना आज साझा है, हमारी प्रॉब्लम में आज दुनिया भर में साझी हो चुकी है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, पावर्टी है, बीमारी है, शॉर्टेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जा हंगर है, भूख है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब बीमारियाँ हैं आज हमारे सिर को खा रही हैं, हमारी आने वाली जनरेशन को निगल जाएंगी, इसका आज ही एक इलाज है कि हम आज सब इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर आए, उसका प्लेटफार्म का नाम हमने दे दिया है और उस पर हम कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं रखेंगे, ये भी आप मैंने सीखा है कि किसान मूवमेंट से कि कोई प्रेसिडेंट नहीं, 9 मेंबरी कमेटी होगी हमारी भी और 9 मेंबरी कमेटी इक्वल स्टेटस की होगी और वो अपने आपस में लीड करेगी, विचार करेगी, व्यू करेगी और संघर्ष करेगी, आंदोलन पीसफुल आंदोलन पर हम यकीन रखते हैं और पीस की पॉलिटिक्स ही एक ऐसी है जो आपस में इंटरडिपेंडेंस का रास्ता देती है और पॉलिटिक्स ऑफ पीस कैन डिफीट दी पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्युनल हेटेड
एंड कन्फ्रंटेशन, टकराव और नफरत की राजनीति को अगर खत्म करना है तो हमें पीस की राजनीति लाना पड़ेगी। धन्यवाद।